अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं बैसम अब्बास और आज का शो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी कौमी जो नेज़ाबाजी की ख़वातीन की टीम है उनके साथ और हम जानेंगे कि आखिर उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और कैसे वो मुकाबले के लिए रेडी होती हैं। उसके बाद जाहिर है कि बहुत सारे और भी लड़कियाँ होंगी जो कि इस फील्ड में आना चाहेंगी। सो आज का शो बहुत ही ख़ास है, हमारे साथ रहेगा। फरत है एंड आई एम द पार्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल टेंट पेकिंग फीमेल टीम ऑफ पाकिस्तान। राइडिंग तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ और राइडिंग करते हुए कोई मुझे 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नेज़ाबाजी करते हुए मुझे 1 साल हुआ है। लास्ट ईयर ट्रायल्स अनाउंस हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और हम लोगों ने कोई 15 लड़कियाँ थी उन्हें आके ट्रायल्स दिए एंड द फर्स्ट 3 पोजिशंस वर सेलेक्टेड एज द प्लेइंग मेम्बर ऑफ द टीम एंड आई बींग द फर्स्ट पोजिशन आई वॉज सेलेक्टेड एंड वी वेंट टू जॉर्डन और जॉर्डन में जाके हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने नेज़ाबाजी के अंदर वुमेंस ने जो वुमेन टीम थी उन्हें रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को एंड वी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। तब मैं पैदा हुई तब से लेके माय मदर एंड माय फादर दे इंट्रोड्यूस मी टू हॉर्सेज व्हेन आई वाज वेरी यंग और बस वो एक चीज़ होती है ना कि आपके अंदर एक चीज़ इनकलकेट हो जाती है कि घोड़े वर लाइक अ पार्ट ऑफ मी। तो वो चीज़ एक मेरे अंदर थी एंड आई वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट तो वहाँ पर 1 साल काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि घोड़े समथिंग कि आई वॉन्ट टू बी अराउंड देम। तो मैंने अपनी सारी जॉब छोड़ी और 1 साल से बस मैं फुल ऑन राइडिंग करी थी। उसके बाद जब ट्रायल्स अनाउंस हुए तो आई वॉज लकी इनफ कि आई वॉज एबल टू मेक दिस एज माई करियर। हमारे साथ नेज़ाबाजी में देखा जाए वी हैव 30+, 40+ ख़वातीन जो हैं वो कर रही हैं माशाल्लाह एंड देयर अमेजिंग। तो आई वुड से कि एज कोई नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स योर आपका एक शौक है, आपका एक पैशन है जो आपको ये चीज़ करवाता है बिकॉज यू नो घोड़ा इन्वॉल्वड एक जानदार चीज़ है, खौफ भी आता है इससे। एक चीज़ है कि इट्स द हॉर्स इज़ योर पार्टनर, आप घोड़े के साथ अगर परफॉर्म नहीं करें मिलकर यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन दिस गेम। तो मुझे लगता है कि इस गेम के लिए अगर आपको घोड़े से प्यार है, आपको पैशन है कि यू कैन लीव एवरीथिंग फॉर दिस क्रीचर राइट हेयर, तो फिर यू कैन डू रियली वेल क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम लगता है, आपकी कमिटमेंट लगती है, यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग जॉब। तो अगर तो आपको इतनी डेडिकेशन है देन यू नो यू कैन शुड परस्यू इट। राइडिंग मज़ेदार वाक़े तो होते रहते हैं, ये है कि कुछ घोड़े हमें भी डर लगता है ऑब्वियसली घोड़ों से, अब ये है कि चोटें भी लगती हैं। एक दफ़ा गिर के अभी रिसेंटली आई वॉज ट्रेनिंग और एक मैंने घोड़ा चलाई थी, आई फेल एंड आई फेंटेड और उस टाइम पे मुझे कुछ 30 मिनट बाद होश आया था, तब तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी एंड पीछे एवरीबडी थॉट दैट आई एम डेड। तो उस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। माय स्टोरी इज़ अ लिटिल फिल्मी इन अ सेंस के मैंने राइडिंग को हमेशा से एक ख्वाब देखा है, इट वॉज़ माई एम टू मेक दिस माई करियर और मैंने उस टाइम पर वो ख्वाब देखा था जब इट वॉज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल। और इफ़ आई लुक बैक तो मुझे ये चीज़ें ख्वाब लगती थी कि कभी शायद पाकिस्तान में लड़कियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि मैं घोड़ों में एक अपना करियर बनाऊंगी एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 8 ईयर्स ऑफ यू नो हार्ड वर्क, इट टुक मी 8 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क कि अभी जाके मैं ये ग्रीन कोट पहनती हूँ या मैं जाती हूँ इवेंट्स पर। तो आपकी जो डेडिकेशन होती है, आपका जो एक मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है। तो वट इंस्पायर्स मी इज़ कि जो मैंने इतना आई हैव टू लीव आई नो आई हैव टू लीव सो मच फॉर दिस, आई हैव टू लीव माई करियर, आई हैव टू लीव माई सोशल लाइफ। तो वट कीप्स मी गोइंग इज द लव फॉर हॉर्सेस एंड यू नो माई हार्ड वर्क दैट आई हैव गिवन टू दिस गेम। अगर आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है तो आप मेहनत करें बिकॉज मेहनत के अलावा लक डजेंट वर्क एज लॉन्ग एज यू वर्क। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, लक बाद में आती है, पहले आपकी मेहनत आती है। अगर आज हमें कोई इस मकाम पे देख के ये कहेगा कि हम यहाँ पे लकीली आए हैं या कोई सिफारिश थी, ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स की सबसे प्यारी बात यह है कि स्पोर्ट्स पे ना व्हेन यू गो ऑन द बैटल फील्ड या आप जब ग्राउंड पर जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस इट सेज इट ऑल।
अगर कोई सिफारिशी से आया है, यू नो, सिफारिश से आया है, तो वो फिर ग्राउंड पर कितना अर्सा टिक जाएगा। अगर आपकी मेहनत है, यू आर प्लेइंग वेल, आपकी गेम अच्छी है, तो फिर उस तभी आप एक नाम कमा सकते हैं। और दिस फील्ड बीइंग अ वेरी मेल डोमिनेंट फील्ड, यहाँ पे इज्जत कमाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बिकॉज यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं दे हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर मोर देन अ डेकेड, और उनसे अप्रिसिएशन लेना, उनकी यू नो इज्जत लेना इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। तो वो चीज़ है कि आप हमेशा गेम पे फोकस रखें, बाकी चीज़ें दे कम। Assalamu alaikum, my name is Zoya Amir and I am part of the national tent pegging team of Pakistan. And हम लोगों ने recently अभी 1 year पहले in the last September 2022 एक Grand Prix competition खेला था Jordan में Petra. हमने वहाँ पर bronze medal भी लिया था Pakistan के लिए. And right now I am sitting here in my practicing ground जहाँ पर हम लोग नेज़ाबाजी की practice करते हैं almost month में 4 या 5 दफ़ा। बेसिकली मैंने राइडिंग तो शुरू की थी जब अपनी वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को नेज़ाबाजी करता देखा। पहले मुझे इस गेम का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये गेम भी एग्जिस्ट करती है वेस्टर्न गेम्स में, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट में यही है कि वेस्टर्न गेम्स में ज़्यादा शो जंपिंग, ड्रेसाज वगैरह आती है जो हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो खैर मुझे नेज़ाबाजी का पता चला, वहाँ से मैंने एक पहला अपना इवेंट अटेंड किया ऐसे गार्डन्स का अपने क्लब में पहले प्रैक्टिस करके नेज़ाबाजी की थोड़ी सी। वहाँ से मुझे देसी मेलों में बहुत ज़्यादा शौक आ गया नेज़ाबाजी करने का। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल्स वगैरह आने शुरू हुए, जब लड़कियों के ट्रायल्स हुए उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो फॉर्चुनेटली मैं उसमें एक्सेप्ट भी हो गई, फिर हम लोग कॉम्पिटिशन अपना खेलने गए थे। खेलते हुए बहुत मुश्किलात आती हैं जब आप लोग नेज़ाबाजी शुरू करते हो, ऑब्वियसली ये गेम बहुत मेल डोमिनेटेड है, तो लड़कियां अभी इस फील्ड में बहुत कम है, लाइक देयर ओनली 5% लड़कियां भी होंगी मेल्स के कंपैरेटिवली। तो कंपटीशन में मसले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हम देसी मेले में जाते हैं हमें वहाँ पर बहुत मसला होता था स्टार्ट में कि बिल्कुल 2500 अगर मेल है वहाँ पर तो वहाँ 3 या 4 लड़कियाँ हैं सिर्फ जो दौड़ रही हैं, और इतने बड़े ग्राउंड में लड़कियों का दौड़ना इतने मर्दों के दरमियान बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को भी बताना होता है कि ठीक है वो ईजी रहें, इतना मसला नहीं है, एंड बाकी भी देखा है, ख़ुद भी अपने सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। और गिरने की जहाँ तक बात है तो गिरते के तो गेम में हर कोई है, मैं खुद अपनी पहली नेज़ाबाजी के रन में गिरी थी, तो फॉल्स तो होती रहती हैं, कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में। मेरा तो एक अजीब सा रूल है कि जिस घोड़े से मैं गिरती हूँ मेरा दिल होता है उसी को दोबारा बैठ के उसी को राइड करूँ, जब तक मैं उसको दोबारा दौड़ा नहीं लेती तब तक मुझे वो एक होता है ना पीस सा नहीं आता, तब तक उस तरह से अब बंदे की रात नहीं गुजरती कि नहीं उससे गिरे थे तो उसको दौड़ाया नहीं है अभी तक। तो बंदा गिरता है तो और मोटिवेट होता है कि नहीं अब दोबारा इस तरह नहीं गिरना। अगर आप अपना पर्सनल हॉर्स रखते हो तो महंगा पड़ता है आपको, बिकॉज हॉर्स को रखना, उसकी देखभाल, खाना पीना सब कुछ। अगर आप लोग किसी क्लब को ज्वाइन कर लेते हो वो आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ता है, जैसे मैं खुद भी एक क्लब को ज्वाइन किया था मरीना सैडल क्लब लाहौर में है। इसी तरह और भी काफ़ी क्लब्स हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। अगर कोई इस गेम में आना चाहता है पहले तो वो राइडिंग सीखे इस तरह के क्लब्स में जाके, अगर वो अपना पर्सनल घोड़ा अफोर्ड कर सकता है तो वो तो वेल एंड गुड, वो रखे अपनी जगह के ऊपर उसको दौड़ाए प्रैक्टिस करे, अगर नहीं तो आप क्लब्स ज्वाइन करो। आप राइडिंग अपनी पक्की करो, जब आपकी सवारी पक्की हो जाती है उसके बाद आप नेज़ाबाजी में आओ, बिकॉज नेज़ाबाजी इज़ 50% ऑफ योर राइडिंग। अगर आपकी राइडिंग स्ट्रांग है तो आप लोग नेज़ाबाजी सही से कर सकते हो, बिकॉज एक दौड़ते घोड़े के ऊपर आप लोगों ने अपना बैलेंस मेंटेन करना है, उसके बाद आप लोगों ने निशाना लेना है, घोड़े को सीधी पट्टी पर रखना है, तो लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, राइडिंग और आपका निशाना और फोकस इन एवरी थिंग। लड़कियों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो जो इस गेम में आना चाहती हैं वो डिफरेंट क्लब्स हैं उनको ज्वाइन करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको काफ़ी हेल्प आउट कर देंगे, बिकॉज मुझे पता है लड़कियाँ बहुत शाय फील करती हैं मर्दों से सीखने में, और काफ़ी लोगों के घर की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम लोग अवेलेबल हैं, हम आप लोगों को राइडिंग भी सिखाएंगे। और अगर ऐसा कोई मसला नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से इतनी सख्ती नहीं है, तो यू शुड गो टू द क्लब्स, और आप मेलों में भी आप लोगों की वुमेन इन्क्लोजर्स अलग बनने शुरू हो गए तो यू शुड गो टू द मेलाज, आप लोग वहाँ पर जाओ, आपका माहौल देखो और फिर दौड़ो, इस तरह आप लोगों को एक इनकरेजमेंट भी मिलेगी दौड़ने के लिए और हौसला भी मिलेगा। During my
मैचेस ये होते हैं घोड़े को जब हम स्टार्ट पे छोड़ते हैं तो कुछ घोड़ों को जिनसे पंप करने के लिए पट्टी निकलते वक्त हम लोग कभी उनको कहते हैं कि चल घोड़ा, या फिर हम कहते हैं शाबाश, या फिर हम अल्लाह अकबर का नारा लगा देते हैं। तो इस तरह जो हम लोग मुख्तलिफ से नारे होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं ताकि ख़ुद भी इनकरेज रहें और घोड़े भी एकदम से सही दौड़ें। Assalamu alaikum, my name is Aisha Ahmed Khan. I'm the captain of Pakistan's national women's tent pegging team and I'm 18 years old and I'm the youngest in my team. घुड़सवारी मैं तकरीबन बचपन से कर रही हूँ, मुझे कोई 8 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन नेज़ाबाजी ऐसा शौक़ है जो मुझे लास्ट ईयर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर किया ज़्यादा एंड आई केम इन टू इट प्रोफेशनली, तो तकरीबन साल डेढ़ साल हुआ। लास्ट वीक ही मेरा हमारा एक मेला हुआ था नेज़ाबाजी का, जिसमें यही घोड़ा मेरा लाइटों से डर के, नेज़ाबाजी का रन था फुल जोश में, मैंने घोड़ा पट्टी पे निकाला और जैसे ही लाइटों को देखा घोड़ा बीच में पट्टी के ऊपर पेग के ऊपर जाके रुक गया और सीख उठा ली, तो दैट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। हमारा एक इवेंट था सालकोट में वेयर आई जस्ट रीच सालकोट और हमें ट्रेनिंग के लिए मैं ग्राउंड में गई। आई वॉज ट्रेनिंग ऑन अ थॉरो ब्रेड और थॉरो ब्रेड घोड़े वैसे यूजुअली आप नेज़ाबाजी में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन वो एक ऐसा रन था जिसमें मुझे थॉरो ब्रेड मिला विच वॉज ट्रेन फॉर नेज़ाबाजी फॉर सम टाइम, लेकिन वो यही बात हुई कि मैं जैसी पेक पे की घोड़े ने सीख उठाई एंड घोड़ा साइड पे हो गया, आई फेल ऑन द राइट साइड और इट वॉज़ अ वेरी बैड फॉल, मेरी बैक मसल सारे रपच्चर हो गए, आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 मंथ्स, कोई घोड़े की शक्ल देखना भी मुझे अलाउड नहीं था एंड आई वॉज ऑन अ कॉलर, बट वो यही बात है कि वो हॉर्स लाइक इतना वो प्यार है घोड़ों से और इतना वो है कि द नेक्स्ट डे आई हैड एन इवेंट और आई रैन विद अ कॉलर ऑन इवेंट पे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी गुड, बट उसके बाद फिर मुझे 2 महीने की जगह 3 महीने का रेस्ट मिला। अब उस फॉल के बाद तो पहली बात है उसी वक्त घर वालों को सबसे पहले बताया भी नहीं ना ऐसा कुछ होता है, बिकॉज जब हम ट्रैवल करते हैं तो ऑफ़ कोर्स हर जगह तो पेरेंट्स नहीं ट्रैवल करते साथ, वी ट्रैवल एज अ टीम टुगेदर, तो ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स की सपोर्ट इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फॉल, आप नेज़ाबाजी भी करते हैं ना तो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर यू कैंट गो टू प्लेसेस, यू कैंट गो टू इवेंट्स, तो वो यही बात है कि एंड दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज, दे नो वट कम्स विद इट और वट आर द चांसेज, वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर दैट, तो वो यही बात है कि उस वक्त तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें, आफ्टर द रन आफ्टर यू एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर आप पेरेंट्स को आराम से बताएं, ऑफ कोर्स परेशानी होती है। इस घोड़े का नाम बेसिकली बोल्ट है, इट्स बी ओ एल टी बोल्ट, ये बेसिकली अरब देसी मिक्स घोड़ा है एंड ये नाम इसको हमने दिया है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, इट्स अ वेरी फास्ट हॉर्स एंड ऊंचा भी है, नेज़ाबाजी में यूजुअली छोटे घोड़े प्रेफर किए जाते हैं बट मेरे साथ शुरू से यही घोड़ा है एंड मैंने इसी घोड़े पे आड़ियाँ उठाई हैं, परताड़ियाँ मारी हैं, बट ऑल बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड हमारी कंपैटिबिलिटी। आई थिंक ये अलमिया का बहुत बड़ा हम पे एहसान है कि आई बिकेम अ कैप्टन एट सच अ यंग एज, बीइंग यंगेस्ट इन माय टीम, उसके अलावा आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर 21 नेशनल टेंट पिकिंग टीम एंड अभी कुछ अर्से में ही हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं फॉर अ चैम्पियनशिप, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी मैं एज अ कैप्टन आई ऑलवेज वॉन्ट कि मेरी टीम मेरे साथ रिप्रेजेंट हर जगह करे और इस तरह करे कि फीमेल जो पाकिस्तान में है ना उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ एंड वो एक चीज़ पर उनकी अच्छी लुक जाए कि अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अस। एक ही मैं चीज कहूंगी कि ये जो स्पोर्ट है इट्स नॉट फॉर मेन, इट्स नॉट फॉर वुमेन, ये स्पोर्ट इट्स ओनली फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, और अगर हम तीनों वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 3, अगर हम 3 से पहली नेशनल टीम शुरू हुई है तो 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर
एक्स्ट्रा टीम्स, दो टीम्स आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता और ये चीज़ बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ज़्यादा आ रही हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ा सा करेज लें, थोड़ी सी दे कॉन्टैक्ट अस, दे रिसर्च अबाउट इट एंड दे कम इन टू दिस. बेसिकली नेज़ाबाजी जो आप एक, अगर आप लोगों ने मेला विज़िट किया तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, घोड़ा छोड़ते हैं पट्टी पे तो एक नारा मारते हैं, और हर किसी का अपना नारा अपनी पहचान होती है, और उससे घोड़े भी और ज़्यादा स्पीड अप होते हैं, घोड़ों को भी एड्रेनलिन मिलती है, और जो सवार होते हैं उनका भी जोश बढ़ता है. तो हमारा शुरू से ही अल्लाह अकबर बोल के हम लोग नारा मारते हैं, वहीं से घोड़े छोड़ते हैं जोड़ के सही स्पीड में, तो वही अब तक चलता आ रहा है हमारा. तो आज के एक्सक्लूसिव शो में आपने ये जाना है कि हमारे मुल्क की लड़कियां, हमारे मुल्क की ख्वातीन किसी से भी कम नहीं है, और नेजाबाजी जैसा मुश्किल खेल ये ऐसे खेलती हैं कि दुश्मन पर, हरीफों पर धाक बिठा देती हैं. आई होप कि आप भी इंस्पायर हुए होंगे, और आप में से बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अब मैदानों में आना चाहती होंगी. डिस्कवर पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाता रहेगा. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.